उनकी पहली मुलाकात मलाइशिया में हुई थी। दिलकश एक मार्केट में जॉब करती थी। मेहराब मलाइशिया घूमने गया था। पहली नजर दिलकश को देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में खो गया। हाय, ये लड़की, भला दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है? दिलकश काउंटर पे खड़ी थी। मेहराब जैसे अपने होश खो चुका था। सामने मार्केट से गुलाब का फूल लिया, काउंटर पे चला गया। दिलकश के सामने गुलाब का फूल रखा। दिलकश आहिस्ता से बोली, सर आप सिर्फ एक गुलाब खरीदेंगे? मेहराब ने दिलकश की तरफ देखा। हाँ, किसी गुलाब के लिए ये गुलाब है। मेहराब ने पैसे दिए। दिलकश ने फूल पैक में डाला, मेहराब की तरफ बढ़ाया। मेहराब मुस्कुरा कर बोला, ये फूल आपके लिए है, मेरी तरफ से पहला मोहब्बत का गिफ्ट। दिलकश हैरान हो गई। पास खड़े सब लोग हैरानगी से देखने लगे। दिलकश मेहराब की तरफ देखकर गुस्से में बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? मेहराब ने इनकार में सर हिलाया। पागल नहीं हुआ, मोहब्बत हुई है आपसे। इतने में मार्केट का मैनेजर आया। सर आप यहां ऐसा नहीं कर सकते, आप प्लीज मैडम से सॉरी करें और मार्केट से बाहर जाएं। मेहराब दिलकश की आंखों में देखकर बोला, ठीक है, मैं माफी मांग लेता हूं। मार्केट के बाहर तो कर सकता हूं ना इजहार अपनी मोहब्बत का। मैनेजर खामोश रहा। मेहराब ने सॉरी किया। दिलकश खामोश रही। दिलकश का चेहरा सुर्ख हो गया था। मेहराब गुलाब का फूल वहीं छोड़कर चला गया। रात के 8 बज चुके थे। दिलकश मार्केट से बाहर आई, अपनी कार में बैठने लगी। मेहराब पास आया। बड़े बाल, खूबसूरत मूछें, छोटी सी दाढ़ी। मुस्कुराता हुआ दिलकश की जानिब देखने लगा। अब तो आपको फूल दे सकता हूं ना? मेहराब आहिस्ता से बोला। भगवान से डरे मिस्टर, क्या हो गया है आपको? मेहराब दिलकश की जानिब देखने लगा। आप मुसलमान नहीं है क्या? दिलकश आहिस्ता से बोली, नहीं मैं हिंदू हूं, इंडिया से। मेहराब उदास सा हो गया। पड़ गया स्यापा, चलो कोई बात नहीं, आप प्लीज ये फूल तो रख लें। दिलकश ने फूल पकड़ा। खुश, अब मैं जा सकती हूं? मेहराब आहिस्ता से बोला, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कल फिर मिलेंगे। अच्छा सुने, क्या आप अपना नंबर दे सकती हैं? दिलकश कार में बैठी। पागल इंसान, पता नहीं कहां से पीछे पड़ गया। मेहराब अपने होटल गया। हाय रब्बा, कितनी सोहनी कुड़ी है, लेकिन है इंडियन, दूसरा है भी हिंदू। कोई बात नहीं, मोहब्बत अंधी होती है। दिलकश अपने कमरे में बैठी थी। सर में दर्द हो रहा था, बुखार भी था। एक सेहत ठीक नहीं, ऊपर से उस पागल ने दिमाग खराब कर दिया आज। बिना कुछ खाए सो गई। दूसरे दिन वो मार्केट नहीं आई। मेहराब मार्केट आया, लेकिन दिलकश नहीं थी। सबसे पूछने लगा, वो लड़की नहीं आई? मैनेजर पास आया, गुस्से से बोला, सर अगर आपने अपनी ये घटिया हरकतें बंद ना की तो हम पुलिस को कॉल करेंगे। आप प्लीज दोबारा उस लड़की के लिए यहां ना आए, ये हम सबके लिए बेहतर होगा। मेहराब खामोश हो गया, उदास बैठा था। पार्क में खड़ा था। मेरा वीजा खत्म होने में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। मैं दिलकश को खोना नहीं चाहता। दिलकश को हम सफर बनाना है मुझे, लेकिन क्या करूं? ना उसका नंबर है, ना उसका कोई एड्रेस है पास। कहां ढूंढूं उसे? ना भूख थी, ना सुकून था, अजीब सी बेचैनी सता रही थी। ये मोहब्बत का पहला मकाम था। यहां दिल बेतहाशा तड़पता है, रूह बेचैन हो जाती है। दिलकश कहां जानती थी, कोई पागल उसकी मोहब्बत में तड़प रहा है। दिलकश दूसरे दिन मार्केट आई।
उसको बहुत तेज बुखार था। काउंटर पे खड़ी थी, सर चकरा रहा था। मैनेजर पास आया, मैडम आप ठीक हैं? दिलकश आहिस्ता से बोली, बस कुछ दिन से बुखार है। मैनेजर बोला, बॉस कह रहे थे आपको जॉब से निकाल दें, आप बहुत छुट्टियां करती हैं। दिलकश हल्का सा मुस्कुराई, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं सर, मैं अब छुट्टी नहीं करूंगी। मैनेजर आहिस्ता से बोला, अपना ख्याल रखें। मैनेजर गया था कि मेहराब आ गया। या मेरे खुदाया, 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा हूं। आपको पता है मेरा दिल कितना तड़प रहा था, आपकी एक झलक देखने के लिए मैं तड़प गया था। मुझे ना रात को नींद आती है ना भूख लगती है, बस आपको देखने का दिल करता है। मेहराब बोलते जा रहा था। दिलकश खुद को संभालते हुए बोली, प्लीज आप मुझे तंग ना करें, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती, आप चले जाएं। मेहराब कुछ कहने लगा। दिलकश गुस्से में बोली, प्लीज। मेहराब खामोश हो गया, बाहर चला गया। अपनी कार में बैठा था। अजीब लड़की है, मोहब्बत को समझती ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, समझ जाएगी, 8 बजे बाहर आएगी, तब बात कर लूंगा उसे। दिलकश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैनेजर पास आया, मैडम दिलकश बॉस कह रहे थे आप कल से जॉब पे ना आए, आपको जॉब से निकाल दिया है। दिलकश कुछ कहने लगी, फिर खामोश हो गई, अपना बैग उठाया, गुस्से से बाहर आ गई। दिलकश अपनी कार की तरफ जा रही थी कि सर चकराने से गिर गई। मेहराब दौड़ता हुआ पास गया, क्या हुआ आपको? दिलकश बेहोश हो चुकी थी। मेहराब ने बाहों में उठाया, अपनी कार में बिठाया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, इसको बहुत तेज बुखार है, ब्लड प्रेशर भी बहुत लो है। डॉक्टर बोला, आपका क्या रिश्ता है इनसे? मेहराब पहले खामोश रहा, फिर बोला, वाइफ है मेरे। डॉक्टर मेहराब की तरफ देखकर बोला, बहुत लापरवाह इंसान है आप। अच्छा ये मैंने कुछ मेडिसिन लिखी है, जाएं आप लेकर आएं। दिलकश बेहोश पड़ी हुई थी, इंजेक्शन वगैरह लगाए गए। मेहराब पास बैठ गया, दिलकश का हाथ अपने हाथ में लिया। मुलायम से खूबसूरत बाल चेहरे पे थे। अपने हाथों से दिलकश के बाल हटाए। कितना प्यारा बनाया है अल्लाह ने आपको। डॉक्टर आया, दिलकश का चेकअप किया। मेहराब आहिस्ता से बोला, डॉक्टर कोई परेशानी वाली बात तो नहीं ना? डॉक्टर ने तसल्ली दी, नहीं परेशानी वाली कोई बात नहीं है, कुछ टाइम तक इनको होश आ जाएगा, आप परेशान ना हो। रात के 12 बज चुके थे। दिलकश ने पानी मांगा। मेहराब ने दिलकश को आवाज दी, दिलकश। दिलकश ने आंखें खोली, जिस्म जैसे बेजान सा था। सामने मेहराब खड़ा था। दिलकश चिल्लाना चाहती थी लेकिन इतना ताकत नहीं थी जिस्म में। आहिस्ता से बोली, मुझे कहां लेकर आए हो? मेहराब पास बैठा, प्यार से सर पे हाथ रखा। दिलकश हम अस्पताल हैं। पागल, बेहोश होकर गिर गई थी तुम, मैं यहां लेकर आया हूं। शुक्र है अल्लाह का, अब आपको होश आ गया। दिलकश कुछ कहने लगी, इतने में डॉक्टर आ गया। दिलकश का बीपी चेक किया, कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? दिलकश आहिस्ता से बोली, अब कुछ ठीक हूं। डॉक्टर मेहराब की तरफ देखकर बोला, मैं कुछ मेडिसिन लिखकर दे रहा हूं, अपनी वाइफ का ख्याल रखा करें, 2 दिन बाद दोबारा मुझे जरूर चेकअप करवाएं। डॉक्टर चला गया। दिलकश मेहराब की तरफ देखने लगी, क्या बताया तुमने डॉक्टर को, हमारा क्या रिश्ता है? मेहराब आहिस्ता से बोला, छोड़ो इस बात को, चलो अब घर। दिलकश बोली, मैं चली जाऊंगी, आप चले जाएं अब यहां से। मेहराब मुस्कुराया, आपको तो अब जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता, कोई जिद नहीं है ये। दिलकश को सहारा दिया, चले मेरे साथ। दिलकश उसे क्या कहती अब,